डियर क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर 2 एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम की डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम, व्हाट आर फ्लो चार्ट्स, एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट सिंबल्स, उसके बाद सिंपल फ्लो चार्ट के बाद इसके सिंबल्स क्या हैं वो हम देखेंगे। सिंबल्स देखने के बाद हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट एल्गोरिदम डेफिनेशन। एल्गोरिदम कैन बी डिफाइंड एज एन आउटलाइन ऑफ द एसेंस ऑफ प्रोसीजर रिप्रेजेंटेड इन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शनल मैनर। एल्गोरिदम किसको बोलते हैं? ये जो हम ड्रा करते हैं आउटलाइन किसकी, प्रोसीजर की, कि हम कौन से प्रोसीजर को फॉलो करके एक प्रोग्राम चला सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम, ठीक है। व्हेन वी इम्प्लीमेंट दिस एल्गोरिदम यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन इट इज़ सेट टू बी अ प्रोग्राम। जब हम इस एल्गोरिदम को, ये जो मेथड होता है जो हमने नोटबुक पे नोट डाउन किया होता है, इसको हम जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम मान लो सिस्टम पे यूज़ करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। अ सर्टन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्वड यूजिंग मैनी डिफरेंट एल्गोरिदम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं किससे एल्गोरिदम से सॉल्व हो जाती हैं। अगर हमारे पास वे नहीं होगा, मेथड नहीं होगा कि हमने ये प्रोग्राम कैसे करना है, उसका तरीका हमें मालूम नहीं होगा तो हम उस प्रोग्राम को यूज़ नहीं कर सकते। उसका तरीका हमें कहाँ से आता है? एल्गोरिदम से आता है। इनफॉर्मली एन एल्गोरिदम इज़ अ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर दैट टेक्स सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज एज इनपुट एंड गिव्स प्रोड्यूसेस सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज एज आउटपुट। एल्गोरिदम, तो यहाँ पे इन्होंने इनफॉर्मली डिफाइन किया हुआ है। एल्गोरिदम किसको बोलते हैं? ये प्रोसीजर होता है, मेथड होता है कि हम क्या करते हैं, इनपुट क्या देंगे, वो प्रोसेस कैसे होगा और वो आउटपुट क्या देगा, और वो आउटपुट देता है, ठीक है। पहले हम इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में उसको क्या होता है, प्रोसेस होता है, उस पर काम किया जाता है, ठीक है। तो काम करने के बाद फिर वो हमें क्या देता है? आउटपुट। जैसे हम क्या करते हैं, मान लो हम टाइपिंग करते हैं, कोई चीज़ डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो हम कीबोर्ड से उसको इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट देने के बाद वहाँ पे हमारा स्क्रीन पे क्या होता है, वो लिखा जाता है, यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। एवरी एल्गोरिदम शुड हैव द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। हर एल्गोरिदम के ये क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, उसकी फाइनाइटनेस होती है। एन एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड फर्दर ईच स्टेप मस्ट बी एग्जीक्यूटेबल इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। तो क्या है, सारे एल्गोरिदम जो भी हमारे पास किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए एल्गोरिदम है, वो क्या है, फाइनाइट होते हैं, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक थोड़े से टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं रहता, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता। ये कोई स्टेप आने के बाद, मान लो हमें अपना क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट हमें जब हासिल हो गया, तो ये एल्गोरिदम जो है ये हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। ई स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम मस्ट बी प्रिसाइजली डिफाइंड, द एक्शन टू बी कैरीड आउट मस्ट बी रिगर्सली एंड अनएम्बिजियसली स्पेसिफाइड फॉर ईच केस। हर स्टेप इसका क्या होना चाहिए, प्रिसाइजली डिफाइन होना चाहिए। मान लो हमने क्या इनपुट दिया, तो वो क्या होना चाहिए, प्रिसाइजली डिफाइन, किस तरीके से हम इनपुट देते हैं, ठीक है, और हम इसको कैसे इस पर काम किया जाता है, ठीक है, जो हम देते हैं उस पर कैसे काम किया जाता है, उसका एक सिंपल मैनर होना चाहिए, ठीक है। इनपुट, एन एल्गोरिदम हैज़ ज़ीरो और मोर बट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स। ज़ीरो इनपुट, एग्जांपल SCII चार्ट ऑफ 0 to 255। इनपुट किसको बोलते हैं, जो हम उसको देते हैं प्रोसेसिंग के लिए। मान लो हमने बोर्ड पर काम किया, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, कीबोर्ड का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम कोई इनपुट देंगे, कोई लिखेंगे, ठीक है। मान लो हमने किसी की पिक्चर बनाई, या वर्ड आर्ट पे हमने कोई काम किया, तो जो वर्ड आर्ट पे हम पिक्चर हम स्कैन करेंगे, वो उसका क्या है, इनपुट है। ये एक टाइम पे क्या, एक ही इनपुट लेता है। ये तो आपके बेसिक प्रोग्रामिंग है, इसमें
जो हम बड़े बड़े मतलब क्या बोलते हैं उसको बनाते हैं, इनकी प्रोग्राम्स बनाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको बनाने के लिए। तो ये आप जब आप बड़ी क्लास में होंगे तो आप इसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी दी जाएगी। आउटपुट क्या होता है? एन एल्गोरिदम हैज़ वन आर मोर आउटपुट। एक एल्गोरिदम के एक या एक से ज़्यादा आउटपुट हो सकते हैं। इफेक्टिवनेस, एन एल्गोरिदम शुड बी इफेक्टिव, दैट मीन्स ईच ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इन एन एल्गोरिदम मस्ट बी सफिशेंटली बेसिक दैट इट कैन इज इन प्रिंसिपल बी डन एग्जैक्टली एंड इन अ फाइनाइट लेंथ ऑफ टाइम बाई अ पर्सन यूजिंग पेंसिल एंड पेपर एंड शुड बी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। इफेक्टिवनेस क्या बोलते हैं इसको, मतलब इफेक्टिव होना चाहिए, जो भी आप एल्गोरिदम दे रहे हैं उसमें वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब वो काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने ऐसी एल्गोरिदम बना दिया उसका काम कोई है नहीं, तो उसकी इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी, तो वो एल्गोरिदम की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जैसे हमारे पास आज बाइनरी लैंग्वेज है कंप्यूटर की, आप वो यूज़ कैसे करते हो, तो उसके हिसाब से आपकी इफेक्टिवनेस देखी जाती है। तो करेक्टरिस्टिक्स एल्गोरिदम के इफेक्टिवनेस भी है। ठीक है, हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, एल्गोरिदम शुड एक्सप्रेस द स्टेप ऑफ द प्रोग्राम इन द मैनर दे आर प्रोसेस्ड। एल्गोरिदम के हम उन इस प्रोग्राम को आप अपने कंप्यूटर में कैसे प्रोसेस करते हो, वो सारा जो स्टेप्स बाय स्टेप्स आप उसको लिखते हो। फर्दर, एल्गोरिदम शुड प्रोवाइड स्टेप्स दैट